उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के धनोरा के रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के विरोध में ट्रेन रोककर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषी गृह राज्य मंत्री अजय निशिया को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि सोमवार को तेज बारिश होने के बाद भी किसानों का हौसला पस्त नहीं हुआ। किसानों ने तय समय अनुसार तेज हवा और मूसलाधार बारिश में भी धनोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर गजरौला नजीबाबाद पैसेंजर ट्रेन को रोककर तीन कृषि कानूनों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी धनोरा सत्येंद्र सिंह भी पुलिस फोर्स के साथ समय अनुसार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता नरेश चौधरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए पिछले 11 महीनों से लगातार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों की आवाज सुनने के बजाय सरकार के ही मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको मौत के घाट उतारकर किसानों के दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। नरेश चौधरी ने लखीमपुर खीरी नरसंहार में दोषी आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी धनोरा मांगेराम चौहान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना के समय उनके दोषी बेटे आशीष मिश्रा के साथ गाड़ी में सवार युवकों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि आशीष मिश्रा ने जघन्य तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी जिसमें 8 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जो वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है। जिला प्रवक्ता नरेश चौधरी ने यह भी कहा कि यदि अजय मिश्रा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह मौलिक अधिकारों का हनन होगा। प्रदर्शन के दौरान डूगर सिंह मंडल अध्यक्ष, मेजर सिंह, नरेश सिंह, मोहम्मद अनवर, ब्रह्मानंद, सुरेश सिंह, हरी सिंह, जयपाल सिंह, अनिल कुमार, कपिल प्रधान आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। हाँ जी नरेश जी, ये जो आज आप रेलवे स्टेशन पे आए हो किस मुद्दे पर आए हो? मैं नरेश चौधरी, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन असली जनपद अमरोहा। यहाँ ट्रेन रोकना है और ट्रेन इसलिए रोकना है, 11 महीने से किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे दिल्ली पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं तीन कृषि काले कानून की वापसी को लेकर, और समय समय पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन का रूप बदला जा रहा है। किसान तो रूप बदल रहे थे लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से रूप बदल रहे थे, लेकिन उसका रूप सरकार ने एक इस तरीके से बदला है जो किसानों के चोट पहुंचाई है। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे किसान, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौत के घाट उतार दिया। अब किसान मोर्चा का आह्वान है 18 तारीख आज है, रेल रोक कर विरोध प्रदर्शन किया जाए। हम उसकी गिरफ्तारी की मांग गृह राज्य मंत्री की करते हैं, उनके पद की बर्खास्तगी की मांग करते हैं, और जितनी भी धाराएं उनके बेटे पर लगी हुई हैं और जो गाड़ी में सम्मिलित थे उसके साथ आशीष मिश्रा के, उन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये आज हम इस जनपद अमरोहा के मंडी धनोरा रेलवे स्टेशन पर बैठकर और ट्रेन रोकेंगे, ट्रेन आई नहीं अभी, और ट्रेन रोकने के बाद हम विरोध प्रदर्शन पक्का कर देंगे, आवाज हमारी सरकार तक पहुंच जानी चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आगे का क्या होगा आपका? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो मौलिक अधिकारों का हनन है। मौलिक अधिकारों का हनन इसलिए है अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हो, किसी के साथ कोई बयानबाजी कोई गलत दे तो उनका अधिकार है सरकार का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। आज हम किसी को गाली दे दें, आज हम किसी की गाड़ी रोक दें तो एक आम आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जो वीडियो में सामने आ रहा है और वो बार बार मुकर रहा है कि मैंने नहीं किया, वीडियो उस बात की गवाह है। आशीष मिश्रा भी यहाँ से चले जाएंगे, हम किसान भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो वीडियो हमेशा हमेशा के लिए गवाह है कि गाड़ी के नीचे कुचलकर गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने ही 8 किसानों की निर्मम हत्या की है। प्रवेश प्रारंभ सम्राट बॉक्सिंग सेंटर टेवा कॉलोनी गेट के सामने फाजलपुर रेलवे फाटक गजरौला जनपद अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 9927151730। जल्द ही संपर्क करें। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है
कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।